गाइस गाइस देखें लारा का बेबी वो पीछे बैठा हुआ काफी बड़ा लग रहा है मुझे तो। छोड़ो उसे निफॉल। तो गाइस मैंने अपने बर्ड्स को दाना वगैरह डाल दिया, सारे बर्ड्स को डाल दिया तकरीबन, और यहाँ पे कुछ हैं इन्हें भी थोड़ा थोड़ा और डाल देते हैं। ये देखें इनके पास पड़ा हुआ है लेकिन इन्होंने ना दाना खा लिया और जो चावल वगैरह होते हैं ना वो इन्होंने छोड़ दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा इन्हें डाल देते हैं क्योंकि इनके पास बच्चे भी हैं। हेलो खुमरों क्या हाल है, वो देखें एक नीचे बैठा है खुमरा जो बच्चा है, और इनको डालते हैं जी। मिठू कुकू चीकू चीकू, काफ़ी टाइम हो गया हमने ना लारा के बॉक्स को देखा ना चीकू के बॉक्स को देखा, तो चेक करते हैं इनके अंडे वंडे, अंडे शंडे नहीं नहीं आए नहीं आए। तो चीकू का बॉक्स में चेक करता रहता हूँ, लारा का बॉक्स चेक करते हैं तो आइडिया हो जाएगा कितने इन्होंने अंडे दिए हैं। वाओ यार ये क्या क्या बात है यार, बच्चा निकल आया है, लारा का बच्चा आ गया, क्या बात है यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, और वो भी इतना बड़ा हो गया यार। ये तो गर्मियों में इन्होंने अंडे दिए थे, मैं समझ रहा था वो ख़राब हो गए अंडे, इनके पास तो यार बच्चे निकल आए। ओ गाइस गाइस देखें लारा का बेबी वो पीछे बैठा हुआ काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे तो, पता एक है कि दो हैं। हेलो लारा साइड पे हो, ये तो बड़ा मेल है उसके साथ बैठा हुआ एक, और एक ही है मेरे ख्याल से, और लारा है ये सामने। हाँ लारा, तो गाइस इन्होंने गर्मियों में अंडे दिए थे, मेरे ख्याल से ये वही बच्चा है जो गर्मियों में निकला होगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं समझ रहा था अंडे इनके ख़राब हो गए हैं क्योंकि इन्होंने अंडे जो है ना दो तीन अंडे थे, एक अंडा इन्होंने तोड़ दिया था, तो एक बच्चा था मैं कहा ये भी ये तोड़ देंगे क्योंकि अंडे ख़राब हो गए गर्मी की वजह से। तो अब मैं देख रहा हूँ अचानक से तो इसके पास एक बच्चा आ गया, यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है लारा वाकई तुम्हारा ही बच्चा है लारा। हो लारा बताओ तुम्हारा ही बच्चा है, इस बच्चे को निकाल के मैं देखता हूँ कैसा है ये, वो देखें किस तरह गुस्सा हुआ है पीछे। लारा तुम तो साइड पे हो जाओ, लारा को साइड पे करते हैं, लारा इधर आ गई है ना, ये देखें ग्रैनी वाला खेल जैसे ग्रैनी में खेलते हैं हम गेम, ये बच्चा है वो देखें पीछे एक ही है, वही अंडा जो ख़राब मैं समझ रहा था एक उसमें से बच्चा निकला है, और माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसे पकड़ते हैं इसे बाहर निकालते हैं देखते हैं किस तरह का लग रहा है, ये मेल है या फीमेल है ये भी पता चल जाएगा। लारा लारा अंदर ही रहो यार बाहर ना आना, चलो चलो उतरी तो मार रही है यार, लारा अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ चलो अंदर जाओ, चलो डर गई लारा डर गई है। तो कैचर पकड़ लेते हैं इसके साथ ना, हम परिंदे को पकड़ते हैं लारा के बेबी को, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार लारा ने बेबी दे दिया, वो भी इतना बड़ा बेबी, अरे बेबी 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 डर भी लग रहा है हमारा लप्पा हमें मार ना दे, लेकिन वो शरीफ सही है वैसे बेचारा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तेरी बड़ा मुश्किल काम है यार, पकड़ लूंगा मैं पकड़ लूंगा, एक मिनट सब्र करो एक मिनट सब्र करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखें गाइस ये लारा का बेबी है, माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये देखें इतना बड़ा हो गया लारा का बेबी, ओ ओ ओ भाग रहा भाग रहा, ये देखें मार नहीं रहा अभी ये ना वैसे मुझे, यार लारा ने कमाल कर दिया है इतनी दफा इसने बच्चे एक्सपायर किए।
तो गाइस अब हम इसे फुल ट्रेन करेंगे, लारा के पास नहीं छोड़ेंगे। एक दो दिनों तक इसकी फीड वगैरह मैं ले आऊंगा, फिर मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगा और इसे फीड करवाऊंगा और फिर इसे हम टेम करेंगे। और ये देखें, अब मार भी ना, छोटा सा बच्चा, ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा, इसके पार कंप्लीट हो गए वैसे तो, अभी ये मारेगा नहीं। इसे हम ट्रेन करेंगे, फुल टेम करेंगे, बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी का ये बर्ड बनेगा और ये बोलना भी सीख जाएगा, बोलना भी सीखेगा, है ना मिठू, है ना मिठू। ये देखें गाइस कितना खूबसूरत है, नाइस 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 नाइस। वे बड़े नाखून इसके यार जोर के चुभ रहे हैं, आए हाय हाय, बहुत नाखून जोर से चुभ रहे हैं। ये देखें जी हमारा मिठू, मिठू मिठू मिठू, बड़े आराम से बैठ गए यहाँ पे। अच्छा डर भी नहीं रहा मिठू, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये बर्ड है। लारा ने शोर मचाया हुआ है। हाँ लारा एक मिनट रुको, आपका बच्चा आपको देते हैं, फिर वापस इसकी जगह पे रख देते हैं। यार मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। अच्छा ये है छोटा लेकिन बड़ा लग रहा है, ये देखें। चलो 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 अपने कमरे में चलो जी, ये बच्चा इसके पास आ गया और लारा कह रही है दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। चलो जी ये सरप्राइज था हमारे पास जो कि आज मैंने आपको दिखाया है। हाँ जी लारा मुबारक हो, आपका बच्चा आ गया, मुझे तो पता नहीं था। तो लारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पास बेबी आ गया, वो भी माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया। अब मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा बेबी मैं देखूँगा इसका, कि मैंने जब भी देखा ना इसके अंडे देखे हैं, उसके बाद इसके बच्चे देखे हैं छोटे छोटे। और एक पहले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने बच्चों को पाला भी था, छोटे छोटे से बच्चे थे, उन्हें फीड करवाया था क्योंकि ये फीड नहीं करवा रही थी, तो वो इतने इतने बड़े हो गए थे। फिर लारा ने बच्चों को खुद ही मार दिया था, खुद ही एक्सपायर कर दिया था पता नहीं क्यों। तो इसकी फर्स्ट ब्रीड थी तो इसने बच्चों को मार दिया था, बिल्कुल इसी तरह का लग रहा है। लारा हेलो लारा। तो यार ये सरप्राइज लारा ने बहुत ज़बरदस्त दिया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इसे लॉक कर देते हैं, ये बाहर आ जाती है वरना। चलो लारा खाना खाओ मज़े से। तो गाइस आपको मैं दिखाऊं हमारे जो खुमरे हैं ना, ये देखें आप दोनों ऊपर बैठे हैं, देखें कितने बड़े हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही अपने माँ बाप की तरह इसका साइज हो गया बड़ा बड़ा। और ये जो है ना इनका कलर काफ़ी डिफरेंट है, ये सही बड़ा हो गया। देखें इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ब्राउन सा हल्का सा शेड है। और एक ये बेबी है, हाँ जी ये देखो कैसे पर खोल रहा है, ये डर रहता है इस वजह से। और एक वो सामने जा रहा है, इनके माँ बाप वाइट हैं, ये देखो फुल वाइट, और ये बच्चे इनके ब्राउन आए हैं। और गाइस आज न्यू बर्ड्स जो आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास चिक्स आए हैं छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे और रेड आए हैं इस बॉक्स में। इनके माँ बाप देखे आराम से बैठे होंगे साथ ही, ये देखो खाना खिला रही फीमेल बच्चों को, मुझे देख के साइड पे हो रही है। ये देखें सारे बच्चे पाल रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं यार, वो एक नीचे फंसा हुआ है, इसे बाहर निकालते हैं, इससे फीड काम कराई हुई है। ये देखें ये सबसे छोटा, ये इनके पेरेंट्स नहीं हैं, इनके पेरेंट्स दिखाऊं आपको कौन से हैं। ये हैं इनके पेरेंट्स, ये वाले इस तरह के बच्चे आएंगे, रेड आइज और येलो कलर में भी। मैंने इनके अंडे जहाँ इनके नीचे रख दिए थे क्योंकि उनके अंडे ख़राब हो गए थे, तो अब वो बच्चे पाल रहे हैं, ये ब्रीड दोबारा कर देंगे। और ये बच्चे अपने पाले गए, चार बच्चे इनके पास, और ये बच्चे बड़े होंगे जब तो इस तरह के लगे हैं कुछ। ये देखें ये भी बच्चे हैं जो कि बड़े हो गए माशाल्लाह से, ये देखें ये बच्चे बड़े हो गए ना, इस तरह के बच्चे होंगे ये, येलो कलर में रेड आइज और वाइट रेड आइज, इस तरह के बच्चे होंगे। और यहाँ पे भी कुछ बच्चे आए हुए हैं इस बॉक्स में, ये देखें कितने मज़े से बैठी फीमेल,
तीन बच्चे इसके पास, क्या बात है, मैं दो समझ रहा था, तीन बच्चे इसके पास आए हुए हैं। गुड, ये जी, और ये इनके पेरेंट्स हैं। ये बच्चे हैं, और इस तरह काफी बॉक्सेस में अंडे वगैरह आए हुए, बच्चे भी आए हुए। तो गाइस अपने डकलिंग्स के लिए और बर्ड्स के लिए पानी लेके आया हूँ। ये पानी फ्रेश इन्हें डालेंगे, दाना वगैरह मैंने डाल दिया था, पानी रह गया था, पानी अब डालना है। पानी इनका जो है ना, डक्स जो है ना, ख़त्म कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। तो मौसम देखें कितना ही प्यारा हो गया, और बारिश भी आई थी अभी, तो सूरज निकला हुआ है देखें हल्का हल्का। रात को बारिश आई थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी वगैरह भी नहीं है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रात के टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है, लेकिन बर्ड्स को कवर किया हुआ मैंने अच्छे तरीके से। एक दो जगह इनकी रहती हैं, ये साइड और वो साइड, ये भी कवर हो जाएगी तो अंदर बिल्कुल सर्दी नहीं जाएगी। बस एक मसला होगा था, हमारे जो रैबिट्स के बेबीज थे ना, वो जो है ना एक्सपायर हो गए थे। फीमेल जो थी ना रैबिट की, वो उनकी केयर नहीं कर रही थी, तो वो एक्सपायर हो गए। तो बड़ा दुख हुआ मुझे, बच्चे एक्सपायर हो गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, फीमेल खुद ही केयर नहीं कर रही, तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ। उनकी केयर करना जो है ना हमारे बस में नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। वो फीमेल खुद केयर करती है, लेकिन फीमेल ने केयर नहीं की तो बच्चे एक्सपायर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। इनका बॉक्स मैंने उधर बना दिया साइड पे, तो अपने बच्चों को नेक्स्ट टाइम संभाल लेगी। तो गाइस डकलिंग्स ने बहुत ज़्यादा गंद मचाया होता है। अब ये गिनी फॉल भी देखें बाहर आ गई है और ये लड़ाई कर रही है। ओए छोड़ो उसे, गिनी फॉल, गिनी फॉल, ये अपने पिंजरे से बाहर आ गए, पता नहीं कैसे यार। दोबारा से ये देखें अपने केज में आ गए, दरवाज़ा यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने तोड़ दिया और इधर से ये बाहर आ गई थी, मैंने सेट कर दिया। गाइस रैबिट के बेबीज तो एक्सपायर हो गए, लेकिन जो हमें लारा ने सरप्राइज दिया ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। गर्मियों में उन्होंने अंडे दिए थे, उसमें से दो अंडे ख़राब थे और एक अंडा सिर्फ ठीक था। मैं सोच रहा था कि वो भी अंडा ख़राब हो जाएगा जैसे वो कर रही थी, लेकिन उसने बच्चा निकाला और बच्चे को सर्वाइव करवा, तो इतना बड़ा वो बच्चा होगा माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही थी वो देख के, काफ़ी दिनों बाद मैंने बॉक्स चेक किया और उसमें से इतना बड़ा जो बच्चा निकला, उसका नाम भी रखेंगे। और बिल्कुल वो कुकी की तरह, जब मैं कुकी ले गया था ना, उसका साइज कुकी जितना ही था। जो कुकी जाना वो मैंने अपने पास रखे, उसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो इस बच्चे को भी ट्रेन करेंगे, बोलना सिखाएंगे, और जो है ना इसे हम बातें करना सिखाएंगे और इसे टेम करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।